आप लोग का। सोनी के जैसे नतीजे आए हैं, तेजस्वी नीतीश दोनों मिल करके प्रचार के बड़े दावे किए गए, इस हार को कैसे देखते हैं आप? मैं हार और जीत को नहीं देख रहा हूं, दोनों नेता नहीं है, एक बड़ी आबादी के प्रतिनिधि हैं, एक बिहार के इतिहास को समेटे हैं और एक में बिहार को इतिहास बनाने की क्षमता लोग देख रहे हैं। अब दोनों को एक जगह आने के बाद भी वह सारी चीज़ें जो एक ताकत के रूप में इमर्ज करना चाहिए, शायद उसका ये प्राथमिक चरण अपने आप में सफल इस हद तक है कि इस देश के दंगाई उन्मादी किसी तरह से नफरत फैलाने वाले लोग उस बिहार की जनता की एकता को तोड़ने में बहुत हद तक सफल नहीं है। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में हो तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत, जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है, अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदलने देने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए, मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हों, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो, एक बड़े इतिहास के निर्माण से एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें तुम ही विजयी होगे, इसलिए निराशा नहीं। और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं, 3 राज्यों में जहाँ भी थो जहाँ वहाँ से दो राज्य हार चुके, एक केवल कुढ़नी की बदौलत, निश्चित कुढ़नी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जरा संकेत जो देश देख रहा है, मुल्क देश की राजधानी में लोग हारे हैं, उस पहाड़ बर्फीले चोटियों पर हारे हैं, गुजरात जिसकी बदौलत देश में फैले थे उसको ये बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए टोटलिटी में दंगाई और उन्मादी और भाजपाई लोग परास्त के रास्ते पर हैं, थोड़ा सा बिहार में थोड़ा सा से 2-3 राउंड में बूथ कब्जे के आधार पर जो उनकी ताकतें हैं, धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कमजोर और गरीब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी हम लोग इस सारे विश्लेषण से मैं देख रहा हूँ। तो ये